हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया नेटिंग कंपनी। फ्रेंड्स, आज हम सिंगल कलर के उनसे स्वेटर का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने 10 नंबर के सिलाई पर 4 के मल्टीपल से फंदे डाल लिए हैं, दो सिलाई उल्टी उल्टी निकाल के बॉर्डर बना लिया है। ठीक है, तो अब आ गए हम राइट साइड। राइट साइड में हम दो बेसिक रो निकालेंगे। इसके लिए एक फंदा तो मैं उतार लूँगी, एक उतार लिया, फिर दो फंदे उल्टे। ये फर्स्ट रो है डिजाइन की, नहीं बेसिक रो है। दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे। इस तरह से मैं मेरी पूरी सिलाई दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे निकाल कर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट बेसिक रो के लास्ट में आ गई। लास्ट में हमारे दो उल्टे आए, दो उल्टे आए, और लास्ट वाला है ये, इसको एज को मैं सीधा बोलूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बेसिक रो की सेकंड लाइन है रॉन्ग साइड से, इसको मैं उतार लूँगी। अब ये दो ऊन पीछे करके जो जैसा दिख रहा है वैसे बुन लेंगे। ये दो सीधे दिख रहे हैं मुझे, यहाँ दो सीधे दिख रहे हैं, दो सीधे। उस तरह से उल्टे बनाए थे, इस तरह से सीधे हो जाएंगे। दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे। इस तरह से मैं मेरी बेसिक रो, बेसिक सेकंड रो रॉन्ग साइड से दो उल्टे दो सीधे जो जैसा दिख रहा है बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे से दो सीधे से बेसिक रो को निकाली, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से। अब हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो राइट साइड से एक फंदा मैं उतार लूँगी फ्रेंड्स। और ये दिख रहे हैं दो उल्टे शुरू के, दो उल्टे, फिर दो सीधे, फिर दो उल्टे, फिर दो सीधे। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है फ्रेंड्स। वो पहले वाले दो बेसिक रो निकली थी, और ये भी फर्स्ट रो की तरह, ये दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे। इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने मेरे डिजाइन की फर्स्ट रो निकाल ली है। ये एक एज का उतार लिया, दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे। ठीक है, अब सेकेंड रो रॉन्ग साइड एक एज का उतार लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और ये दो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे दो सीधे, दो उल्टे। ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है, सेकंड रो रॉन्ग साइड, दो सीधे, दो उल्टे। ये इस तरह से मैं अपनी ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। दो उल्टे दो सीधे, ये सीधे दिख रहे हैं जो सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा, उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा। ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम हमारे डिजाइन की थर्ड रो में आ गएंगे। थर्ड रो राइट साइड, ये फंदा मैं उतार लूँगी और ऊन आगे लेके दो फंदे उल्टे दिख रहे तो उल्टे बुन लूँगी। ये दो फंदे उल्टे, ऊन पीछे ले जाकर ये दो सीधे फंदे हैं, इन दो सीधे फंदों के बीच में जो अपन को ये दिख रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए छोटी छोटी लाइनें, एक दो तीसरे, तीसरे में, तीसरे छेद में मैं डाल के लंबा लूप निकाल लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दो सीधे बुन लूँगी, एक दो, फिर इसी लूप में मैं सिलाई डाल के एक लूप और निकाल लूँगी। थोड़ा ढीला ही बनाएंगे इसको थोड़ा सा। ठीक है, फिर ये दो उल्टे नेक्स्ट वाले आगे की साइड से दो उल्टे। ये थर्ड रो है मैं राइट साइड से, फिर ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए दो सीधे ना, दो सीधे हैं, इन दो सीधे के बीच में एक दो तीसरे लूप में, तीसरे खड्डे में ये सिलाई डाल के मैं लंबा लूप निकाल लूँगी। फिर दो सीधे बना लूँगी, एक दो, फिर इसी लूप पे से फिर मैं
इसी खड्डे में से एक लंबा लूप और निकाल लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये देखिए, ये चार फंदे हो गए, दो लूप वाले, दो बीच वाले, फिर नेक्स्ट वाले दो उल्टे। एक बार और देख लीजिए फ्रेंड्स, ये दो सीधे हैं ना, इन दोनों के बीच में से एक दो तीसरे खड्डे में ये डाल के लंबा लूप निकाल लूंगी, फिर दो सीधे बना लेंगे, एक दो, फिर इसमें से एक लूप और ले लेंगे लंबा, तो दो लूप के हो गए, दो सीधे, चार फंदे हो गए, और नेक्स्ट वाले ये दो फंदे उल्टे जाएंगे। तो इस तरह से मैं मेरी डिजाइन की राइट साइड से थर्ड रो कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेरे डिजाइन की फोर्थ रो, थर्ड रो राइट साइड से निकाल ली है, दो उल्टे, फिर एक एक दो तीन से में से एक लूप लेके, फिर दो सीधे, फिर उसी में से एक लूप लेके, फिर दो उल्टे, इस तरह से मैंने बना लिए। फोर्थ रो रॉन्ग साइड डिजाइन के, फोर्थ रो रॉन्ग साइड है, पहला फंदा मैं स्लिप कर लूँगी, और जो जैसे दिख रहा है, ये दो सीधे दिख रहे, दो सीधे बुन लूँगी, ऊन आगे ले लूँगी, ये स्लिप किया हुआ फंदा है, नहीं लूप वाला फंदा, इसको उतार लूँगी, ठीक है, और ये दो फंदे बीच में मैं उल्टे बुन लूँगी, फिर एक ये लूप वाला फंदा, इसको उतार लूँगी, फिर ऊन पिछले जाके दो सीधे, फिर ये देखो लूप है, ये ऊन आगे लेके लूप को मैं स्लिप कर लूँगी, फिर दो उल्टे बना लूँगी, फिर ये लूप है, इसको मैं उतार लूँगी और ऊन पीछे ले जाकर दो सीधे बुन लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, फिर देखिए ऊन आगे लेके ये लूप वाला फंदा है, मैं उतार लूँगी, फिर दो उल्टे, फिर ये लूप वाला फंदा मैं स्किप कर लूँगी, फिर ये दो फंदे सीधे ऊन पीछे ले जाकर। इस तरह से मैं मेरी डिजाइन की फोर्थ रो कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्थ रो कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पांच सलाई में हमारा डिजाइन राइट साइड से, पांच सलाई में ये दो दो लूप उठाते उनको घटा दिया, बना दिया मैंने पूरा। सिक्स रो रॉन्ग साइड है, पहला फंदा मैं उतार लूँगी, फिर ये नेक्स्ट पैटर्न के लिए दो सीधे, दो उल्टे, फिर दो सीधे, दो उल्टे, ये छठी सलाई है फ्रेंड्स हमारे रॉन्ग साइड से, ठीक है, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, ये देखिए फ्रेंड्स अपने आप सीधे पर सीधे आ जाएंगे, ये सीधा दिख रहा है ना, इस पर सीधे आ जाएंगे, दो उल्टे बुनकर मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। दो सीधे, दो उल्टे, लास्ट में दो सीधे, और एज का इसको मैं उल्टा बन लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे छह सिलाई में ऐसा डिजाइन बन के आता है फ्रेंड्स। इन्हीं छह सिलाइयों को हम यहाँ से यहाँ तक वापस से बुनते हैं, वापस से जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुन लेंगे, जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुन लेंगे, फिर इसकी नेक्स्ट रो भी ऐसे निकालेंगे, फिर उसकी नेक्स्ट रो में हम डिजाइन डालेंगे। तो थोड़ा बुन के बताती हूँ, यही छह, ये पैटर्न फ्रेंड छः सिलाइयों में कंप्लीट होता है, चलो छः सिलाइयों का है, 12 सिलाइयों में अच्छी तरह दिखता है, तो मैं थोड़ा और बुन के बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मेरे डिजाइन का फाइनल लुक, ये छः सिलाई से एक बार इधर बनाया फिर इधर बनाया है ना, तो कितना सुंदर बन के आया है फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इस डिजाइन को आप कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, और बनाने में बहुत सरल है फ्रेंड्स, दो उल्टा दो सीधा, दो उल्टा दो सीधा, है ना, और फिर दो लूप निकालने, फिर नेक्स्ट सिलाई में दो लूप को स्किप करना है, फिर पांच सिलाई में दो लूप बनाए थे उनको दो का एक करके, फिर बीच में दो सीधे, फिर दो का एक करके बना लेते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, पसंद आया तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता ही है,
तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिए कमेंट से कि आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।